मोबाइल थोड़ा पीछे आ जा। कैन यू गेट टिश्यूज फ्रॉम देयर? टिश्यू पेपर्स। तस्नीम तस्नीम आई एम ऑलरेडी थिंकिंग ऑनलाइन में वो तो नहीं है। कौन है तस्नीम? कौन है? पीछे जा रहा नहीं नहीं चलेगा Namita is really special and it's her birthday, it's such a special day. I don't like to flout with COVID regulations, plus we all are working. If I put myself at risk, then I put an entire unit at risk. So, and therefore I don't attend too many events, and that's the only reason why I don't go anywhere. Well, it's really simple. You know, I started when I was a nobody. Everybody starts at something. I don't believe ki aapko sirf isliye dosti karni chahiye kisi se kyunki aapko unse koi fayda ho raha hai या आपको उनसे कुछ मिल रहा है. अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो. इफ़ अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तो फिर आपको यू नो वैसी दोस्तियाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप अच्छे इंसान हैं और अगर आपको लोग अच्छे लगते हैं, पसंद हैं, यू कैन ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद पीपल एंड यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू देम एंड दे विल ऑलवेज हेल्प यू व्हेन यू नीड देम. बहुत अच्छी है, बहुत ही अग्रेसिव है. आई थिंक शी इज़ अ गो गेटर. मुझे लगता है कि आज के ज़माने में औरतें ऐसी होनी चाहिए जो कोई ठान लेती हैं और वो करके दिखाती हैं. नमिता मुझे लगता है कि सो मच उनमें से एक है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं. काफ़ी सालों से जानती हूँ मैं उनको, हालांकि हम लोगों ने कभी काम नहीं किया एक साथ, लेकिन मुझे पता है कि ये जो इनका एक एटीट्यूड है काम के प्रति, उसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं. मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा करेंगी और भविष्य में इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स होंगे और बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी. तो आहाना आई नो लाइक वी हैव सेट ऑन द स्टेयर्स एंड स्पोक अबाउट पीआर एंड द टाइम शी वाज हर मूवी हैड जस्ट रिलीज लिपस्टिक. शी इज द सेम अभी भी व्हेन शी इज बिकम सच अ बिग स्टार एंड शी इज स्वीट क्यूट एंड वेरी डाउन टू अर्थ. आई रियली लव हर. व्हेन आई एम डूइंग अ फिल्म व्हिच इज गोइंग टू बी शॉट इन द यूके फॉर व्हिच आई एम लीविंग इन अ वीक और वो एक थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर है और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो जॉनर. उसके अलावा मेरी एक फिल्म है मधुर भंडारकर के साथ इंडिया लॉकडाउन जो इस साल रिलीज़ होगी. हम देख रहे हैं कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होगी. फिल्म रेडी है और कॉल माई एजेंट करके एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आने वाली है, वो शायद सितंबर में रिलीज़ हो जाएगी. बट आई थिंक ऑफकोर्स आई विल गिव माई क्रेडिट टू माई पेरेंट्स, माई एंटायर फैमिली. मेरी सिस्टर, मेरे पेरेंट्स जो हमेशा मेरे सबसे बड़े फ़ैन हैं, मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं. पर अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरे टीचर्स हैं, वो मेरे तीन बहुत ही खास मेंटर्स हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में और वो हैं, मैं खैर कहूँगी चार, वो हैं नसीर सर, रत्ना मैम, बच्चन साहब और पृथ्वी थिएटर, जिसने मुझे मेरा पहला कदम परफॉर्मेंस की तरफ रखने का एक मौका दिया, जहाँ पर मुझे समझ में आया कि मैं एक परफॉर्मर बनना चाहती हूँ. तो ये मेरे मेंटर्स हैं और इनके प्रति मेरे पास सबसे ज़्यादा प्यार है. नहीं, मुझे इस बात का कोई गर्व नहीं है. मुझे लगता है कि आज अगर आप देखें पिछले 2 सालों में जिस तरह के आर्टिस्ट्स उभरे हैं, वो OTT की वजह से उभरे हैं, क्योंकि कहीं स्टार सिस्टम मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है. हालांकि मुझे फिल्म सिनेमा हॉल में देखने का एक बहुत शौक़ खुद से है, क्योंकि वो पॉपकॉर्न लेकर जब बत्तियाँ बुझ जाती हैं और आप और सिनेमा सिर्फ आप ही दोनों चीज़ें होते हैं एक साथ, आप और आपके स्टार, तो वो प्रेम कोई ले नहीं सकता है. लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है
बहुत आर्टिस्ट्स के लिए, बहुत डायरेक्टर्स के लिए, क्योंकि OTT की वजह से अब हम लोग घर पे बैठे हैं और जितना भी कंटेंट आता है वो हम देखते ही हैं। फिर आपको पता भी चलता है कि कौन से अच्छे आर्टिस्ट हैं, कौन से अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं, या किसको अपने ऊपर काम करना है, किसको अपने ऊपर काम किसको इतना भरोसा है कि वो इतने अच्छा काम करते हैं कि वो हर अगली फिल्म करेंगे या हर अगला शो करेंगे। तो मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं, क्योंकि अगर आपका काम अच्छा है तो आपको एक अच्छी ऑडियंस वैसे ही मिल जाएगी। Navina is a very good friend of mine. She is into PR, of course, and she's a very good PR. She always give me very good suggestions. So on this special occasion, I just came here to wish her a very happy birthday and God bless her. Okay, Kate, I have met her through Instagram. So I had connected with her on Instagram for PR. And then she told me, Namita, I had a very bad experience with people. You know, because PR mein kya hota hai? Everybody is different. And she had a bad experience. But as soon as her film came with Ashmit, her PR was everywhere. I think media started knowing Kate. Yes, you know, yes. And apparently media calls her Kate. Haan. Yeh media ki galti hai. Meri galti nahi. I am Kate Sharma. Yeah. ये लोग फूल जैसी लड़की को काटे बना देते हैं। और Kate का reels please देखो, she is very good with reels. Professional thing, I think one of my song is coming, music video with Vivek Dhaiya, and one more song is coming with Zubain Shah, directed by Mudassar Khan, and there are lot of things, and I'm doing a web series also. So yeah, Vivek Dhaiya is a very very sweet guy, very humble guy. बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं किसी बहुत बड़े स्टार के साथ शूट कर रही हूँ। बीइंग ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस एक्टर, सो ही इज़ वेरी स्वीट। जी नमिता, आई थिंक मेरी वेब सीरीज़ आई थी जो हुकुम मेरे आका, तभी मुझे नमिता, आई थिंक तब से हम साथ में काम कर रहे हैं, एंड इट्स बीन आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर, राइट? या ओवर अ ईयर, एंड फील्स ग्रेट, काफ़ी अच्छा काम कर रही है नमिता एंड शिमर। माई ऑल लक एंड ऑल विशेज टू हर एंड शिमर, एंड आज हम यहाँ प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड आई एम रियली हैविंग फन। या जी अलग करता है क्योंकि इनकी जो डेडिकेशन है, द काइंड ऑफ यू नो वर्क शी डज फॉर एवरी वन, एवरी आर्टिस्ट, आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट। वो बहुत सारी चीज़ें प्लान करती है, आपको यू नो क्या करना होता है, एक्चुअली क्या चाहिए होता है, शी प्रमोट्स दैट वे। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर एक्टर्स। या एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। I feel so good because I really work hard, and I feel for me every client is very important in life, and I treat everybody equal. Whoever my clients are today, I don't differentiate. For me, everybody is equal, whoever is my client. And I don't know whether I should share this with media. Go for it. हाँ, तो वेरोनिका से जब मैं पहले मिली थी तो मैंने बोला था कि वेरोनिका थोड़ी you know like she's little you know like strict hai and all, to maine meri partner ko bola tha Veronica ke sath you know how to do things. So then you know apparently we met, and I think she's a sweetheart and a very sweet girl, so my thinking for her change, and she's one of the best clients we have, very sorted, no kitsch pitch. जी अच्छा लगता है because आप मिलते हो सबसे, और ये ऐसा मौका होता है कि when you meet everybody and you kind of you know connect, एंड अभी हम ऐसे मीटिंग्स करते हैं, ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टी करते हैं, तो यू नो हम और ज़्यादा एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू कनेक्ट, एंड दिस इज़ वेरी यू नो ग्रेट आइडिया टू सेलिब्रेट लाइक दिस। तो आई थिंक ये ज़रूरी है। या माई एसोसिएशन विद हर, इट्स अमेजिंग, आई अडोर हर, शी अडोर मी, एंड सिंस लॉन्ग वी आर वर्किंग टूगेदर, बट देन अपार्ट फ्रॉम वर्क इट इज़ अ गुड रिलेशनशिप विद अस for us, and we are really like and love each other, appreciate each other. So I really love her, she's too cute, too adorable, and I just want to wish her from bottom of my heart happy birthday. Better woman and then better PR. She's not fake actually, she's natural. The way she feels she'll say, and the way she'll behave, and it will reflect on her face. My movie is coming on November, OTT platform pe it is releasing, which name is like Roti Kapda and Romance, and doing series with Avtaar, and it is coming next month.
Namita is someone who I'm very, very close to, not only professionally but personally, and I love her a lot, and she's one of the best people we have in our industry and for PR, not only as a PR person but as a sister and a friend. I love her lots and wishing her tons and tons and tons of success and more ventures to come, and may she be at the top always. Better best comedian, best human being and the best at PR, but comedian number one. Yeah. Our professional front is basically just signing on a management soon in the next month or so, and then post that things will all pan out. I don't like to talk about anything, so when it all happens, it will be all out there and everyone will be the first one to know. I really wish her a very happy birthday, and she's very jolly girl, very happy girl. मैंने किसी को इतना खुश नहीं देखा है. शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग वेन एवर शी इज़ अराउंड, सो आई फील सो हैप्पी बींग अराउंड विद हर. सो आई जस्ट विश हर लॉन्ग 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 लाइफ. फर्स्ट बेटर ह्यूमन एंड देन बेटर पिया. प्रोफेशनल फ्रंट आई एम डूइंग समथिंग इन साउथ वेरी सून. आई कांट रिवील मच, बट या